नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश पुलिस सूबे की जनता को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के साथ ही अपराधियों पर भी शिकंजा कसने में लगी हुई है। लगातार उन अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है जो फरार चल रहे हैं। इसी बीच पुलिस टीम जब संबल जिले के कुख्यात पशु तस्कर और गैंगस्टर असद को पकड़ने गई तो मुस्लिम भीड़ ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और आरोपी को भगा दिया। हमला करने वाली इस भीड़ आरोपी के परिवार वालों के साथ ही गांव के ही लोग शामिल थे। इस दौरान मुस्लिम भीड़ की ओर से पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। ये देखकर किसी भी तरह पुलिस टीम मौके से जान बचाकर भागी। हमला का फायदा उठाकर फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर का आरोपी मौके से असद भाग गया, जिसके बाद तीन थानों की पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। आरोपियों के घर दबिश देकर चार लोगों को धर दबोचा, जिन पर कार्रवाई की गई। दरअसल सदर कोतवाली के दरोगा अजय कुमार टीम के साथ शनिवार की रात नूरियो सराय गांव में पशु तस्कर और गैंगस्टर वारंटी अपराधी प्रधान मोविन के बेटे असद को पकड़ने के लिए गए थे। जैसे ही टीम गांव पहुंची और अपराधी को पकड़ने की तैयारी में थी कि तभी गांव और परिवार के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। महिला कांस्टेबल के साथ महिलाओं ने हाथापाई भी की। इसके बाद पुलिस टीम को जान बचाकर गांव से भागना पड़ा। पुलिस टीम पर हुए हमले की सूचना अधिकारियों को दी गई। बाद में और भी फोर्स मौके पर पहुंची। घटना की सूचना पाते ही अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जसवाल भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस पर हमलावर हुए लोगों में से कई लोगों को पकड़ लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है तो वे अपराधी की तलाश जारी है। पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। दबिश देने के दौरान मुलजिम के परिवार वाले कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मजहमत करी, मुलजिम को भगा दिया और पुलिस की गाड़ी पे पत्थर चलाया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बाद में पुलिस जाके जो है चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। संचित धाराओं में अभियोग लिखा जा रहा है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो आरोपी फरार था वो क्या किस उसमें एक्ट में था? गैंगस्टर एक्ट का वांछित था वो। तो देखा आपने किस तरह से कुख्यात अपराधी को बचाने के लिए किस तरह से पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया गया। खैर, अब देखना ये होगा कि भागे गैंगस्टर को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।